बड़े ध्यान से सुने, ये दोगली भक्ति क्या हमारी देवी मां को प्रिय है, पसंद है? नवरात्रों के दिनों में हमारे घरों में मदिरा की तो बात छोड़ो, मांस की तो बात छोड़ो, हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं आता। नवरात्रे हैं इसलिए हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हमारे घर नहीं आता, नहीं बनता। लेकिन जैसे ही नवरात्रे चले जाएंगे फिर क्या होगा, आज जैसे पूरे हो जाएंगे कल विजयदशमी होगी, फिर क्या करेंगे हम, कल से क्या होगा, फिर हम लोग मदिरालय में जाके खड़े होंगे, दारू के ठेकों पे खड़े होंगे, मांस की दुकानों पे से मांस खरीद रहे होंगे। 9 दिन में जो हमने त्याग का आर्टिफिशियल ड्रामा किया है, दिखावा किया है, उसके तुरंत बाद 9 दिन का सारा 2 दिन में खा के खत्म करेंगे, क्या देवी माँ प्रसन्न होगी, क्या वो भगवान प्रसन्न होंगे जिनके लिए आपने 9 दिन नहीं खाया। ये प्रत्येक सनातनी देखो, करो वो जो तुम चाहो पर सुन तो लो ना मेरी, मेरी सुन तो लो, मैं भी एक सनातनी ही हूं ना, मेरी सुनने में क्या जाता है, सुन लो और उनको सुना दो, करो वही जो तुम्हारा मन करे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, हमारे बच्चों को कोई 4 दिन न मारे न पीटे और कहे कि 5वें दिन फिर से मैं तेरे बच्चे को जान से खत्म कर दूंगा, तो 4 दिन नहीं मारा ये सोच के आप उस पर दया करोगे, अथवा 5वें दिन मार दिया ये सोचकर उस पर गुस्सा करोगे, बजाय किसी और पे सोचने के आप खुद पे सोचिए, बात खुद पे सोचिए। तो हमने 9 दिन नहीं खाया, कुछ नहीं पिया तो हम सात्विक हो गए, और 9 दिन के बाद फिर से वही वैसी राक्षस हो गए, माता रानी, राम जी, कृष्ण जी क्या सोच रहे हुए, क्या ये 9 दिन तेरे दिखावटी थे, ये मुझे पागल बनाने का प्रयास था। आप सब सोचिएगा, आप जो कर्म कर रहे हैं ये भोगना आप ही को है, आपके कर्मों का फल आपके बच्चों को भोगना पड़ता है। जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं उन्हें तो सजा मिलती है, उनके बच्चों को भी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण पढ़ो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कलयुग के चेले तो ऐसे ही होते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। एक कहानी में पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको भी अच्छी लगेगी। आज के ही युग का एक व्यक्ति गांव में कहीं सत्संग हो रहा था तो एक संत के पास पहुंचा। सत्संग में संत ने कहा कि बिना गुरु की गति नहीं है, गुरु मंत्र लेना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कथा सुनने के बाद उस व्यक्ति के मन में भी विचार आया कि मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उसने सुन रखा था कि जब दीक्षा लेते हैं तो उल्टा सीधा कुछ खाना नहीं होता है, पीना नहीं होता है, और वो पीता था एवरीडे, वो पीता था एवरीडे। अब दीक्षा लेने का मन भी हो रहा था लेकिन पीता था, अब क्या करे, मन में द्वंद चल रहा है। तो सोचा गुरुजी से ही, संत जी से ही इसका निवारण भी करवाता हूं। संत जी के पास में गया और संत जी से कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं। संत ने मुस्कुरा के पूछा, कहो कैसे आए हो? बोले, महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। दीक्षा आप दे दो पर शर्त मेरी है। क्या क्या शर्त है तुम्हारी? बोले, महाराज मैं भजन तो करना चाहता हूं, ये बात कंफर्म है, भजन करना चाहता हूं, लेकिन एक और बात है। क्या? मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं शराब भी पीना चाहता हूं, मैं भजन भी करना चाहता हूं और मैं शराब भी पीना चाहता हूं। संत ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम भजन करना, तिलक लगाना,
और जब शराब पियो तो किसी को बताना मत कि तुम शराब पीते हो, किसी को मत बताना। पर जब शराब पियो तो उस शराब का, जो शराब पीने का पाप है, वो अपने हाथ में जल लेकर कहना कि ये पाप मेरे गुरु को लगे। तुम शराब पियो लेकिन संकल्प करके कि ये पाप मेरे गुरु को लग जाए और भजन का फल तुम्हें लगता रहे। तुम पी सकते हो, गुरु जी ने उसके कान में मंत्र दिया, कंठी पहनाई, तिलक दे दिया, पियो। अच्छा, लोगों को ये पता ही था कि गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो शराब के लिए, उल्टी सीधी चीजों के लिए मना करते हैं, खाना पीना नहीं होना चाहिए, वैष्णव तो वैष्णव होता है। तो सबने देखा कि इसने मंत्र लिया, तो अब तो लोग उससे आदर करने लगे, क्योंकि सब संदेह पहले तो शराबी है, पैसे वाला तो था लेकिन शराबी है, तो उसकी वैल्यू नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी समाज में। लेकिन जैसे ही सुना किसने मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, तो समाज में उसका वर्चस्व बढ़ा। जो लोग उससे कभी बात नहीं करना चाहते थे, और भजन कैसा चल रहा है, ठीक है भजन ठीक चल रहा है, अब वो डे बाई डे समाज में सम्मान पाने लगा। कुछ दिन ऐसे नवरात्रि आ गए थे तो 9 दिन नहीं पिया उसने, पीता है 9 दिन तो छोड़ ही देता था। अब 10वें दिन हुआ, नवरात्र गए, 10वां दिन आ गया। अब जब 10वां दिन आ गया तो उसकी तो अंदर के जो कीटाणु थे वो आवाज देने लगे, वेयर इज अ विस्की, वेयर इज अ रम, वेयर इज अ व्हाट, जो भी और नाम होते हैं, ये दो ही मैंने सुने, कहाँ हैं। तो अब तो वो नाम वो तलाशने लगा, ले आया बोतल, किसी को पता ना चले, किसी को बताना नहीं है ये गुरुजी ने कहा था, तो कमरे में बैठकर बोतल खोली। और बोतल खोलकर जब बैठा तो एक एक चीज उसके दिमाग में आने लगी कि जो लोग मेरे से बोलते नहीं थे वो इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि उनको पता चला मैंने दीक्षा ले ली, जो मेरा अनादर करते थे वो मेरा आदर कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें यह पता चल गया कि मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, जबकि यह सच नहीं है। अभी तो उनको झूठ ही पता है, सच नहीं पता, अभी तो उन्हें यह झूठ पता है कि मैं पीता नहीं हूं, पर मैं तो खोल के बैठा हूं। जब उन्हें यह पता है कि मैं पीता नहीं हूं, यह झूठ है, जब सच में मैं नहीं पीऊंगा, झूठ जब मेरा इतना सम्मान बढ़ा सकता है तो सच में मेरा कितना सम्मान बढ़ जाएगा जब मैं वाकई नहीं पीऊंगा। और यह पाप लगेगा मेरे गुरु को, उन गुरु का दोष क्या है जिन्होंने मुझे भव सागर से पार होने के लिए भगवान के नाम रूपी नाव पकड़ा दी है, जहाज पकड़ा दिया उन गुरु ने, उन गुरु का दोष क्या, कसूर क्या। अब जो अंदर बुला रहे थे कि पिलाओ पिलाओ, वो कीड़े मर गए, आंसू आंखों से बहने लगे, रोता रोता वहीं छोड़ के उसे भागा गुरु के पास और गुरु के चरणों में सर रख के रोने लगा। गुरु जी ने कहा क्या हुआ, आ तो 10वां दिन है, पी के नहीं। बोले आपने पीनी नहीं दी मुझे, मैं कितना पापी हूं कि अपनी इच्छाओं को रखने के लिए आपको पापी, आप अपने पाप आपको दे रहा हूं, आपको लग रहे हैं मेरे पाप। नहीं गुरु जी, मैंने बहुत भयानक पाप किए हैं, मेरे पाप आपको नहीं लगने चाहिए, अगर पाप मैंने किए हैं तो उसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, आपको मेरी तरफ से कोई पाप नहीं लगेगा। उस शिष्य ने सच्ची शपथ खा ली कि मैं वो कोई पाप नहीं करूंगा जिसका दंड मेरे गुरु को भोगना पड़े। आप भी सोचिएगा, नवरात्रे तो चले गए हैं, नवरात्रों में जागरण होता है, जागरण का मतलब जानते हो, सिर्फ रात भर बैठकर न सोना ही जागरण नहीं है,
जागरण का मतलब है अब तक तो जन्म जन्म तक जो आप सोए हुए थे अपने कल्याण के विषय में आपने कभी सोचा नहीं था, पीना खाना उल्टा सीधा बुरे कर्मों को ही आप अपने ऐश्वर्य को समृद्ध समझते थे। ये सब पाप हैं, ये ज्ञान तुम में आ जाए तो समझो तुम्हारा जागरण हो गया। ये मनुष्य जीवन मुझे भगवान के लिए मिला है ये समझ में आ जाए तो समझो तुम्हारा जागरण हो गया। मुझे समय से पहले नहीं मरना है, ईश्वर से मिले बगैर नहीं मिलना है, ये संकल्प मन में आ जाए तो समझो तुम्हारा जागरण हो गया। मैं इस अनमोल जीवन को नशा इत्यादि बुरी चीजों में डालकर बर्बाद नहीं करूंगा। जिस दिन ये सत्संग से समझ आ जाए तो समझो तुम्हारा जागरण हो गया। और सबसे बड़ा जागरण, मैं राम का हूं और राम मेरे हैं ये समझ आ जाए तो समझो हो गया तुम्हारा जागरण।